दुष्कर्म के आरोपी पिता को आज न्यायालय ने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। अपनी 8 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले कलयुगी पिता को आज विशेष सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार ने सजा सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस दुष्कर्मी पिता को 30,000 रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया। गौरतलब है कि करीब 3 माह पहले 12 दिसंबर को पुलिस को शिकायत मिली कि आरोपी पिता रमेश देवड़ा अपनी ही 8 वर्षीय बच्ची के साथ यौन शोषण एवं उत्पीड़न करता है। चाइल्ड हेल्पलाइन द्वारा मिली इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी पिता रमेश देवड़ा को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और आज विशेष सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार ने अपना अहम फैसला सुनाया और इस दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास और 30,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। सर, मामला 12/12/2019 का है। ये नीमच केन थाने का संबंधित है। एक पिता द्वारा ही अपनी 8 साल की लड़की के साथ उनके निजी अंगों के साथ छेड़छाड़ करना और उसके साथ यौन शोषण यौन बलात्कार के शिकायत चाइल्ड हेल्पलाइन को मिली थी। जिस आधार पर चाइल्ड हेल्पलाइन लड़की को दस्तियाब कर नीमच केंट में उसके पिता के विरुद्ध आवेदन दिया था। जांच पे से थाना नीमच केंट द्वारा अपराध क्रमांक 446/19 धारा 356 376 376 A/B और 376 N बादवी एवं पास को 3/4 और 5/6 पंजीकृत किया गया। विवेचना में केंट द्वारा मात्र 11 दिन में संपूर्ण अनुसंधान कर न्यायालय में चालान पेश किया गया एवं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उस उक्त प्रकरण को जघन्य चिन्हित श्रेणी में रखा गया है और माननीय न्यायालय द्वारा भी मात्र 3 माह में प्रकरण का निराकरण किया गया। माननीय न्यायालय श्री विवेक कुमार सिंह द्वारा आरोपी को धारा 376 356 376 A/B 506 3/4 और 5/6 में आजीवन कारावास और 30,000 रुपये का जुर्माना दंडित किया गया। जी हाँ, जब तक वो आजीवन कारावास जब तक जिंदा है तब तक। और माननीय न्यायालय ने विशेषकर एक टिप्पणी करी कि जो बाप अपनी बेटी को घर में सुरक्षित रखना चाहता उसके विरुद्ध इस तरह का अपराध किया गया। इस टिप्पणी को माननीय न्यायालय ने विशेषकर ध्यान दिया। वॉइस ऑफ MP के लिए दीपक खताबिया की रिपोर्ट।